भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं के साथ बैठक का होना ये स्वाभाविक प्रक्रिया है और समय समय पर बैठकें होती रहती हैं। इसमें आदरणीय प्रधानमंत्री जी के सुझाव का ध्यान में रखते हुए इन बैठकों को हमने टिफिन बैठक में परिवर्तित किया है, जिसमें सभी कार्यकर्ता अपने घर से टिफिन लेकर आते हैं, यहाँ बैठते हैं, सामूहिकता में चर्चा करते हैं, इनफॉर्मल चर्चा करते हैं और लंबी देर तक समय की परिस्थिति को देखते हुए पार्टी को कैसे मजबूत किया जाए और मोदी जी की जन कल्याणकारी नीतियों को जनता तक पहुंचाने में जो कार्यकर्ता लगे हैं उनको किस तरीके से वो जनता के बीच में ले जा रहे हैं, इसका भी हम समीक्षा भी करते हैं, चर्चा भी करते हैं और आने वाले जो कुछ समस्याएं भी होती हैं उसकी भी हम चर्चा करते हैं। यह टिफिन बैठक आज यहाँ पर संपन्न हुई, मुझे इसमें आने का सौभाग्य मिला। नोएडा के इस विधानसभा में सम्माननीय पंकज जी की विधानसभा है, उसमें मुझे आने का मौका मिला और डॉक्टर महेश शर्मा जी की लोकसभा है, कार्यकर्ताओं से इनफॉर्मल चर्चा हुई और इसमें हमने पुराने कार्यकर्ता भी बुलाए। यह एक लगातार प्रक्रिया है, समय समय पर ऐसी टिफिन बैठकें आगे भी होंगी और यह भारतीय जनता पार्टी के कार्यशैली का एक अंग बन रहा है और इसमें कार्यकर्ताओं में एकजुटता का संस्कार भी आता है, क्योंकि वह अपना टिफिन तो खाता नहीं है, वह दूसरे साथी का टिफिन खाता है और हमारा द्वारा लाया गया टिफिन वो हमारे साथी खाते हैं। आज मैं भी अपने घर से टिफिन लेके आया था, हमारे कार्यकर्ताओं ने उसको खाया और उसका स्वाद लिया। वैसे ही डॉक्टर महेश शर्मा जी अपने यहाँ से कुछ व्यंजन लेके आए थे, उसका मुझे सौभाग्य मिला। तो इस तरीके का टिफिन बैठक के कार्यक्रम को हमने आगे बढ़ाया है। हम हमेशा ही तैयार रहते हैं और हर पल हम नई योजनाओं के साथ चलते हैं, इसलिए 2024 और 24 से पहले आने वाले भी चुनाव हैं, सभी के लिए हम तैयार हैं। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें और हाँ, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ 24।